गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। अभी गाइस समय हो रहा है शाम का समथिंग 6 बज रहा है और हम ब्लॉगिंग करने के लिए भी निकल रहे हैं क्योंकि दिन भर मेरे पास समय नहीं था एंड मेरे पास बाइक भी नहीं था। मेरे साथ है फारूक और वहाँ पे लगा हुआ है मेरा बाइक, तो हम लोग निकलते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। आप लोग कंटिन्यू है ब्लॉगिंग में और मिलते हैं हम लोग हाईवे पे। सो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं राइडिंग करने के लिए। अभी हम अपने घर के ग्रामीण वाला रोड में है एंड आप ये देख सकते हो कि ये हाईवे नहीं है। एंड गाइज क्या है कि हम अभी बहुत ज़्यादा शाम हो गया है तो शाम में निकले हैं, और शाम में निकलने का रीज़न ये है ना कि YouTube मेरा जस्ट लाइक पार्ट टाइम है गाइज, इसलिए हम ज़्यादा फोकस इसमें नहीं करते हैं। हमारा जो मेन बिजनेस है उसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि जिससे अर्निंग होगा उसमें तो ज़्यादा मन लगता है ना काम करने में। तो YouTube से फ़िलहाल अभी जितना होना चाहिए उतना। हम YouTube का मेंबरशिप बन गए हैं तो फिर इसको लेके चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम मेरा चैनल वगैरह मोनेटाइज हो गया है तो इस पर हमको ध्यान देना ही पड़ेगा। प्लानिंग चल रहा है घूमने का, तो प्लानिंग चल रहा है तो फिर कहीं जाएंगे तो फिर आपको तो दिखाएंगे। बारिश वारिश का भी समय है थोड़ा सा, तो बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर जो है कि समस्या हो जाता है इसलिए। लेकिन कोई नहीं गाइज, प्लानिंग होने वाला तगड़ा तगड़ा, और दो चार दिन से तो वीडियो नहीं आने का कि समय नहीं मिलता है तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं। बट वीडियो बनाने में जो मज़ा आता है ना गाइज, वो और कोई भी चीज़ करने में नहीं। तो फिलहाल हमसे पहले हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे, कुछ फ्यूल वगैरह ले लेते हैं क्योंकि मेरे बाइक में फ्यूल का मात्रा बहुत ज़्यादा ही कम है। सो फाइनली गाइज हम निकल चुके हैं अब हाईवे पे फ्यूल। अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है, लग रहा है कि ऐसा कि जैसा बारिश होने वाला है, तो हम लोग को बहुत ही जल्द घर जाना पड़ेगा क्या कि बारिश अगर हो गया तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा भाई। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गाड़ी लगा हुआ फिर, क्योंकि अभी जाम लगा हुआ था यहाँ पर। अगर आप लोग गाइज ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दीजिए गाइज, क्योंकि बहुत सारा आदमी ऐसा है जो कि ब्लॉगिंग करना चाहता है बट नहीं कर पाता है थोड़ा सा आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण या कोई प्रॉब्लम होने के कारण। बट गाइज क्या है कि अगर आप चाह रहे हैं ब्लॉगिंग कर, पार्ट टाइम है बट फुल फोकस तो हम किए नहीं है, बट इससे अच्छा खासा अर्निंग होने लगेगा तो फिर हम जो है कि यूट्यूब करना सोचते हैं। ब्लॉगिंग ज़रूरी नहीं है कि आपका वायरल हो ही जाइएगा, लेकिन अगर वायरल नहीं भी होता है तो कम से कम आपको बोलने का जो है कि तरीका पता चल जाएगा, कैसे बोला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूव होता है। तो आप जो है कि करोगे तो कम से कम, अगर नहीं यूट्यूबर बन पाए, नहीं वीडियो वायरल हो पाए, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख मिलेगा। तो हम भी कोई अपना मतलब कि यूट्यूब में करियर बनाने के लिए यूट्यूब में नहीं आए हैं, बट ऐसे ही शौक है, देखते हैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा तो सब कोई करता है तो हम भी करना स्टार्ट कर दिए, तो बना करके डाल देते हैं वीडियो। और गाइस सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप सबको अच्छा भी लगता है और आप लोग प्यार भी करते हो, इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो कि वीडियो नहीं भी बनाने का मन होता है तो भी बना लेते हैं। क्योंकि इधर का सिचुएशन इसलिए ख़राब है गाइस कि यहाँ पे आया था आज से समथिंग 5 साल पहले एक ऐसा बाढ़ आया था 2017 में कि भयंकर बाढ़ आया था, भयंकर आदमी सब इतना ज़्यादा मतलब कि तबाह हो गया था ना कि ये जो आपको रोड दिख रहा है ये सब हाईवे, यहाँ पे आदमी सब आ करके बस रहा था टापू बना बना करके, इतना ज़्यादा भयंकर बाढ़ आया था। तभी जो तहस नहस हुआ है अभी तक पूरा का पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है ये सब रोड, मतलब कि अभी भी पुल 5 साल में अभी भी पुल नहीं बना है, और अभी पुल बन रहा है तो वो कम से कम 3 साल 4 साल से कंटिन्यू काम है, बन ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहा नहीं कर रहा। लेकिन ये रोड है आपको जाने वाला हाईवे अररिया, बट हम लोग अररिया नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश होने वाला है। हम लोग अररिया के लिए निकले थे बट मौसम इतना गंदा किया हुआ है कि क्या ही बताएं, तो हम लोग अररिया नहीं जाएंगे उससे पहले। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो मेरा नंबर आप मतलब हमसे आप जो है कि संपर्क कर लो, कमेंट में आप हमसे नंबर मांगो, हम आपको नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप में आ जाना, आपको हम एक एक चीज़ बता देंगे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी चीज़ हम जानते हैं यूट्यूब में, सारा कुछ तो नहीं जानते हैं, जितना भी चीज़ जानते हैं आपको हम सारा कुछ बता सकते हैं, कैसे वीडियो एडिट होता है, कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, क्या क्या माउंट चाहिए, क्या क्या सेटअप चाहिए, तो हम सारा कुछ आपको चीप में परचेज करवा देंगे गाइस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमको अभी समझ में आ रहा है कि क्या हमको लेना चाहिए था क्या नहीं लेना चाहिए था। अभी भी मेरे पास बहुत सारा चीज़ फालतू का आया हुआ है बट रखा हुआ है, आप मंगा लिए हैं तो
उसका कोई यूज है नहीं, बहुत ही कम चीज़ का यूज होता है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास GoPro है तभी आप वीडियो शूट कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक सिंपल सा मोबाइल फ़ोन है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ उसका कैमरा क्वालिटी सही होना चाहिए, उससे गाइस आप वीडियो बना सकते हो। GoPro की कोई आवश्यकता नहीं, उससे भी एक नंबर वीडियो बनता है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो उससे आप वीडियो बना सकते हो। बस अगर आपको करना है, आपको अगर दिल में है कि हमको एक ब्लॉगर बनना है, तो आप हमें कमेंट में हमसे नंबर मांग सकते हो, हम आपको नंबर दे देंगे, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। और गाइज अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ से कि नहीं भाई हमको करना नहीं है सिर्फ देखना है, तो आप देख सकते हो, एक से एक मोटो ब्लॉगर है, एक से एक यूट्यूबर है, एक से एक ब्लॉगर है। सो गाइज सब बात तो ठीक है बट आप लोग हमको इतना प्यार देते हो, इतना आशीर्वाद देते हो, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और पहले के मुताबिक गाइज आज से एक साल पहले हम YouTube में वीडियो छोड़ते थे, मात्र एक दिन दो दिन तीन दिन में मेरा व्यू होता था 10-15-20, हाईएस्ट 30 व्यू तक जाता था। बट अभी का समय ऐसा है कि पहले के मुताबिक अभी एक नंबर व्यू जाता है गाइज, इतना अच्छा व्यू जाता है ना कि हम बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब ज़्यादा भी तो नहीं जाता उतना, लेकिन जितना भी जाता है बहुत ज़्यादा हैप्पी है हम पहले के मुताबिक। कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, और पहले गाइज क्या था कि हमको बोलने का तरीका नहीं था पता किस टाइप से बोला जाता है, और अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, सीख गए हैं थोड़ा बहुत। तो हम यहीं पर रखते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू।